वैसे भाजी, तुम हमें कब से देख रहे थे? तब से जब आप ये घुंघरू पहन रही थी, जब से आप ये साड़ी पहन रही थी, जब आप ब्लाउज पहन रही थी, या ये कहूं कि जब आपने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे। भाजी, कहानी की शुरुआत रागिनी, ममता और कविता नाम की लड़कियों से होती है। ये तीनों ही सगी बहनें हैं और तीनों में से रागिनी और कविता की शादी रुपेश और आकाश नाम के लड़कों से हुई है। आज इनकी माँ सुलेखा जी का जन्मदिन है और इसी सरप्राइज पार्टी के लिए सभी मिलकर तैयारी कर रहे हैं। सुलेखा ने अपनी बेटियों के लिए बहुत जायदाद कमा के रखी है और इसी जायदाद को पाने के लिए काफ़ी लोग इनके पीछे भी पड़े हैं। तो आगे बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। अब पार्टी की पूरी तैयारी हो जाने के बाद सभी मिलकर सुलेखा जी को सरप्राइज देने जाते हैं, पर ये क्या, यहाँ पर आते ही ये पता चलता है कि सुलेखा जी की तो मौत हो चुकी है, जिसके बाद तीनों बहनें फुट फुट कर रोने लगती हैं। पर होनी को कौन टाल सकता है, जो होना रहता है वो तो कैसे भी होके ही रहता है। अब अगले दिन सुलेखा जी की शोक सभा में सभी रोने लगते हैं। तभी सुलेखा जी का पर्सनल वाला वकील आकर सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि ये कहने लगता है कि इनका किसी ने खून किया है, ना कि नेचुरल डेथ हुई है। ये बात सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। तो वकील उनकी कही हुई वसीयत के बारे में सभी को बताने लगता है। वकील कहता है कि उनको पता था कि मेरी जायदाद के लिए कोई ना कोई मुझे मारेगा, और कोई नहीं, कोई घर का ही कोई सदस्य होगा। पर अगर कोई भी मेरे कातिल का पता 10 दिनों में लगा लेता है तो ये पूरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन अगर कातिल का पता कोई भी नहीं लगा पाया तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। वकील की ये सारी बातें सुनकर सभी के मन में लालच आ जाता है और अब सभी उस कातिल का पता लगाने में रेस लगा देते हैं। फिर अगले दिन रागिनी और उसका पति आकाश उसी कातिल के बारे में सोचने लगते हैं और उनको तो एक दूसरे पर ही शक होने लगता है। पर अब ये दोनों वो सारी बातें भूलकर अपनी असली ज़िंदगी का सुख उठाने में लग जाते हैं, मतलब कि टपाटप करने में। यहाँ पर आपको इन दोनों का मस्त 15 मिनट का जोशीला वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये सीन पूरा खतरनाक है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। फिर अब यहाँ पर थोड़ी फ्लैशबैक वाली कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये पता चलता है कि ये सुलेखा जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि ये चरम सुख की चाहत में साली अपने जमाई के साथ ही गपागप करती है। और यहाँ पर फिर से आपको एक के बाद एक धमाकेदार वाले सीन देखने को मिलेंगे। इस वाले सीन में भी आकाश का ही नंबर लगता है, जिसमें ये अपने सासू माँ की ऐसी पुंगी बजाता है कि उनको बड़ा मज़ा आता है। और आपको भी इस वाले सीन में बड़ा ही मज़ा आएगा। ये वाला सीन भी 15 मिनट का है, पर पूरा कातिल है। अब कहानी आती है रियलिटी में। साले इस आकाश ने शराब की नशे में वो सब उगल दिया जो अपने सास के साथ किया था। आकाश अपनी बीवी को सारा राज बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। पर रागिनी का प्लान तो आकाश को शराब पिलाकर उससे सच उगलवाना था कि उसने खून किया या नहीं, पर यह तो सब उल्टा ही हो गया। अब यहाँ पर एंट्री होती है कविता और छोटी बहन ममता की। ममता तो आज पूरा दिन खाना नहीं खाई है। ये सभी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इनको 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की चिंता लगी है। ये साला रुपेश इधर चुप चुप के से इन पर नज़र रख के खूनी का पता लगाना चाहता है, क्योंकि ये पैसों का बहुत बड़ा लालची है। यहाँ पर सभी को बस पैसे की लत लगी है, जिसके कारण ये सभी एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं। अब कैसे कातिल का पता ये सभी लगाएंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब रात को कविता अपने पति रुपेश के पास आती है और ये दोनों भी उस कातिल के बारे में ही सोचने लगते हैं। पर कविता को तो वकील की पूरी बातें झूठी लगने लगती हैं। तभी कविता के नींबुओं के अंदर कॉकरोच चला जाता है, जिसके बाद रुपेश उसको निकालने के लिए अपने हाथ उनके अंदर घुसा देता है, जिसके कारण कविता को अलग ही फील होने लगता है। जिसके बाद दोनों बिना टाइम वेस्ट किए कुत्ते की तरह पलंग तोड़ करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आपको फिर से बिल्कुल गजब वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। इस सीन को देखकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त है ये वाला सीन। ये पूरा सीन 15 मिनट का है, जिसमें आपको हर एक प्रकार का शॉट देखने को मिलेगा। अब अगले दिन ममता अपनी माँ की याद में बहुत ही नाराज़ होती है,
जहाँ पर सभी मिलकर उसे पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर आकाश कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से माँ की तो मौत नेचुरल ही हुई है, जिसके बाद इनके पास एक ही सवाल रहता है कि माँ ने अपनी वसीयत ऐसी क्यों लिखी है। अब इस राज का पता भी ये कैसे लगाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले सीन में आकाश रागिनी के साथ रोमांस करने लगता है, पर जब से रागिनी ने वो सच जाना है तब से वो अपने पति से दूर भागने लगी है। इस बार तो ये रागिनी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर सीधा पुराने वाले कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे कुछ खूबसूरत कपड़े मिलते हैं और घुंघरू भी मिलते हैं, जिन्हें पहनकर ये रागिनी बिल्कुल मोंजो लिक्या की तरह नाचने लगती है। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर ना सच में भूतनी घुस गई है। तभी यहाँ पर रूपेश आता है और उनकी डांस की तारीफ करके उसके जिस्म को मस्त छूने लगता है, जहाँ पर रूपेश के टच से रागिनी के तन बदन में आग लग जाती है और चरम सुख की चाहत में ये सारी रागिनी अपनी बहन के पति के साथ मस्त रोमांस करने लगती है। हमें क्या कोई भी किसी के साथ भी टपाटप करे, हमें तो बस मज़ा आना चाहिए, और वही मज़ा आपको इस वाले सीन में भी देखने को मिलेगा। ये वाला सीन भी पूरे 15 मिनट का है, जिसमें ये रूपेश रागिनी की ऐसी बैंड बजाता है कि चीकू के साथ इसके पसीने भी छूटने लगते हैं, पर ये साला रूपेश भी टपाटप करते करते अपनी सारी पोल खोलने लगता है। और यहाँ पर फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर ये रूपेश भी अपनी माँ के साथ टपाटप किया करता था। आपको एक के बाद एक बिल्कुल धमाकेदार वाले पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये रूपेश वैसे ही अपने सास की पुंगी बजाता है जैसे अभी रागिनी की बजा रहा था। वेब सीरीज के लास्ट में बिल्कुल बवाल वाले और पैसे वसूल वाले पलंग तोड़ सीन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही सीन आपको मस्त पसंद आएंगे। अब रियलिटी में आने के बाद रूपेश ये सारी बात कविता को बताने से मना करता है, तो रागिनी भी एक ही शर्त पर मानती है। इसकी शर्त ये है कि रूपेश रोज ऐसे ही इसकी चुदाई करके इसको खुश करेगा। मान गई भाई इस रागिनी के शर्त को, इससे बढ़कर तो कोई भी हौसले लड़की नहीं है। इन्हीं दो सीनों के साथ पार्ट वन की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पर अभी तक खुनी का पता नहीं लगा है, पर पार्ट टू में ज़रूर लग जाएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसके पार्ट टू की भी स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज में शाना खत्री और भारती झा और आयुषी जायसवाल मेन लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इस वेब सीरीज़ में एक से बढ़कर एक हॉट वाले सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। आपको इस वेब सीरीज़ की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।